नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है मोबिलाइजेशन एडवांस एंड सिक्योर्ड एडवांस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये जो एडवांसेस दिए जाते हैं मोबिलाइजेशन करने के लिए और कुछ मटेरियल्स के लिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अभी मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है? मोबिलाइजेशन एडवांस मतलब एक टेम्पररी एक पेमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को अपना पूरा साइट मोबिलाइज करने के लिए, ऑफिस सेटअप के लिए, मशीनरी लेबर सब मंगाने के लिए एक इनिशियल सेटअप जो रहता है उसके लिए क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है। और ये उसको मतलब उसका प्रीलिमिनरी जो खर्चा है उसका उसके लिए उसका काम में आता है, मतलब उसका मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल है वो प्रोड्यूस होता है प्रीलिमिनरी। अभी मोबिलाइजेशन पेमेंट्स मेनली किसके लिए दिया जाता है? जब भी कोई टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होता है तो सबसे वर्क ऑर्डर मिलने के बाद सबसे पहले वो साइट पे उसका पूरा मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल सब उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। तो मोबिलाइजेशन करने के लिए उसको थोड़ा एक्सपेंसेस आते हैं, तो एक्सपेंसेस थोड़ा उसको ये करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है। तो ये जनरली 10% तक होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और इसके ऊपर ये 12% का सिंपल इंटरेस्ट भी रहता है। और ये जो मोबिलाइजेशन एडवांस है ये टोटली रिकवर बेसिस पे दिया जाता है, मतलब ये रिकवर होता है। और जो इसका इंटरेस्ट है वो 12% इंटरेस्ट होता है। वो मतलब कहाँ कब से पकड़ते हैं कि जिस दिन उसका पेमेंट करते हैं उस दिन से डेट ऑफ रिकवरी डेज मतलब 365 डेज, और इसके हिसाब से वो मतलब 12% इंटरेस्ट पकड़ के रिकवरी होता है। अभी कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी कैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर को मतलब मोबिलाइजेशन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में मिलता है, और कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को डिमांड करनी पड़ती है कि हमको इनिशियल मोबिलाइजेशन के लिए आप मोबिलाइजेशन एडवांस दीजिए। तो क्लाइंट को वो रिक्वेस्ट करने के बाद कभी कभी क्लाइंट मान लेता है और उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दे देता है, और वो उसी का इस्तेमाल करके वो पूरा मतलब प्लांट, मशीनरी, मटेरियल्स और स्टाफ लेबर का मोबिलाइजेशन करता है। ये जनरली 10% रहता है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये मोबिलाइजेशन एडवांस जो 10% है वो कब देते हैं उसका भी कंडीशन रहता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को नॉन रिवोकेबल बैंक गारंटी ऑफ 110% मतलब 110% ऑफ अमाउंट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस, मतलब मोबिलाइजेशन एडवांस जो भी अमाउंट है उसका 110% का नॉन रिवोकेबल बैंक गारंटी क्लाइंट को सबमिट करने के बाद क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइजेशन एडवांस देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 110% ऑफ नॉन रिवोकेबल बैंक गारंटी ऑफ एनी नेशनलाइज और शेड्यूल्ड बैंक जो भी रहता है उसके हिसाब से। अभी ये एडवांस कैसे कोई गवर्नमेंट टेंडर में दो स्टेज में दिया जाता है, तो सबसे पहला है 50%, दूसरा 50%। ये चेंज भी हो सकता है, कभी कभी ये 3 स्टेज में भी दे सकते हैं, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। तो पहला 50% है वो अगेंस्ट बैंक गारंटी, जब बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को सबमिट करता है या फिर उसके बाद देते हैं, या फिर कभी कभी वो परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करने के बाद भी देते हैं। और मेनली ये बैंक से क्लियर होने के बाद में और स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस होने के बाद में ये एडवांस देता है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है जो 50% है, वो कॉन्ट्रैक्टर जब पूरा अपना मोबिलाइजेशन करता है, मतलब पहला तो बैंक गारंटी सबमिट करते इनिशियल मोबिलाइजेशन लेता है, और दूसरा में कैसा रहता है वो पूरा अपना मोबिलाइजेशन करता है, साइट ऑफिस सेटअप करता है, साइट का पूरा इस्टेब्लिशमेंट करता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट्स, लेबर, अटमेंट्स पूरा प्रोविजन करने के बाद जैसे कि काम शुरू होने के लिए पूरा मतलब मोबिलाइजेशन करके रेडी होता है, उसके बाद में वो बैलेंस 50% उसको मोबिलाइजेशन दिया जाता है। अब ये रिकवरी कैसे करते हैं? रिकवरी इसका जो भी रहता है वो
प्रोराटा बेसिस के हिसाब से रनिंग बिल में से होता है, मतलब क्लाइंट का जो रनिंग बिल होता है उसमें से प्रोराटा बेसिस पे होता है। अभी इसमें कुछ कंडीशंस है, कभी 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 कैसे रहता है 10% जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड एंड पेड, मतलब टोटल काम का जो 10% काम होता है अमाउंट के हिसाब से, तो उसके बाद से प्रोराटा बेसिस पे परसेंटेज पे इक्वल परसेंटेज पे उसका रिकवरी शुरू होता है। और ये कब तक चलता है कि जब तक उसका एंटायर एडवांस, कब तक होता है जब तक 80% काम कॉन्ट्रैक्टर का खत्म होता है तब तक उसका पूरा रिकवरी हो जाता है, मतलब 10% काम कंप्लीट होने के बाद शुरू करके 80% होने तक, मतलब रिकॉर्ड 80% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू, इतने में पूरा एडवांस रिकवर करते हैं। और इसके हिसाब से ये इसके ऊपर इंटरेस्ट भी 12% लागू होता है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से 10% काम कंप्लीट होने के बाद शुरू करके 80% काम होने तक पूरा एडवांस रिकवर करते हैं। कुछ कुछ टेंडर में 10 की जगह 20% भी रहता है, ये अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में 80% वर्क कंप्लीट होने से पहले मोबिलाइजेशन एडवांस पूरा रिकवर करते हैं। अभी ये सिक्योर्ड एडवांस, सिक्योर्ड एडवांस क्या है, एक टाइप का एडवांस है जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल सिक्योरिटी, मतलब जो भी मटेरियल साइट पे कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है उसकी सिक्योरिटी के लिए एक टाइप का एडवांस दिया जाता है जिसको हम सिक्योर्ड एडवांस बोलते हैं। ये सिक्योर्ड एडवांस का परसेंटेज मतलब 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब साइट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो भी मटेरियल आता है उसका 75% ऑफ कॉस्ट, इतना एडवांस क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, ये भी रिकवरेबल है। सिक्योर्ड एडवांस अगेन नॉन पेरिशेबल मटेरियल, ये सिक्योर्ड एडवांस मैक्सिमम जगह इंटरेस्ट भी रहता है और ये मैक्सिमम 75% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो भी टेंडर्ड आइटम है उससे जो कॉस्ट आता है मटेरियल्स का, उसमें से जो कॉस्ट आता है कॉन्ट्रैक्टर का उसमें से जो भी कम रहेगा विच इज लेस उतना रहता है। और मेनली ये भी रहता है टोटली 75% हम जनरली कंसिडर करते हैं, और ये वर्क जो भी रहता है साइट पे जो भी मटेरियल आता है वो साइट के इंजीनियर से सर्टिफाइड किया जाता है, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्टर को नॉन पेरिशेबल आइटम्स का एडवांस दिया जाता है। अभी नॉन पेरिशेबल आइटम्स CPWR मार्क के हिसाब से जो आइटम्स है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। और ये एडवांस जो भी किया जाता है सब कब किया जाता है, सबमिशन इंडिविजुअल बॉन्ड के सबमिशन होने के बाद में, जो भी उनका फॉर्म रहेगा उसके हिसाब से इंडिविजुअल बॉन्ड सबमिशन होने के बाद में किया जाता है, और ये एडवांस नेक्स्ट जो भी बिल रहेगा उसमें पूरी तरह से रिकवर किया जाता है। जैसे RA1 में अगर एडवांस दिया तो RA2 में उसका रिकवरी होगा, और बाद में नेक्स्ट मटेरियल जो भी फ्रेश एडवांस दिया जाता है बैलेंस जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका मटेरियल के लिए नेक्स्ट एडवांस दिया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल कंटिन्यूस देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।